हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल लाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी वितान भाग टू, ये है कक्षा 12th, उसका हम लोग थर्ड चैप्टर देख रहे हैं, अतीत में दबे पाँव। और इसके जो लेखक है वो हैं ओम थानवी। तो हम लोग जैसे कि देख रहे हैं थर्ड चैप्टर का सारा क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो अभ्यास के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए ना, सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप चैट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ओके। और इससे पहले आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सारा का सारा आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से बहुत ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आंसर का वीडियो सारे बच्चे तक पहुँच जाए, ओके क्यूट स्टूडेंट्स, ओके ये काम ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अभ्यास पर आ जाइए। और पहला क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का अंडबर नहीं था, कैसे? चलिए जानते हैं इसका आंसर, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि ये उस पर उसमें भव्यता का अंडांबर नहीं था, तो कैसे नहीं था वो आंसर देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर ये है कि सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में खूब चर्चा हुई। इस बात में सभी प्रभावित है कि वहाँ की अन्न भंडारण व्यवस्था, जल निकासी के व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। हर निर्माण बड़ी बुद्धिमानी के साथ किया गया था, यह सोचकर कि यदि सिंधु का जाल बस्ती तक फैल भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इन सभ्यता के संपन्न की बात बहुत ही कम हुई। वस्तु इनमें भव्यता का अंडांबर ही नहीं, व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। संभवत वहाँ की लिपि पढ़ ली जाने के बाद इस विषय में अधिक जानकारी मिले। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित के धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया? सो आंसर देखेंगे सेकेंड का। सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मुद्र भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति व पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनमृति मुहरे, खिलौने, आभूषण, आभूषण का मतलब होता है जो जेवर नहीं होते, ज्वेलरी उसको बोलते हैं, तथा सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप आदि सब कुछ इसी तकनीक सिद्ध से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला, इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन जरूर था परंतु सैन्य सभ्यता का नहीं। यहाँ पर धर्मांतर या राजतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासन स्थल आदि नहीं मिलती। यहाँ आम आदमियों के काम आने वाली चीज़ें को सिल्के से बनाया जा गया। इन सारी चीज़ों से उनका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा गया कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था। तो ये सेकेंड का आंसर है, थर्ड का देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ में अनुशासित सभ्यता थी? तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सिंधु सभ्यता जो अवश्य प्राप्त है उसमें औजार तो है पर हथियार नहीं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उस तरह नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां और पिरामिड आदि मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में भव्य राज प्रसाद मिले हैं व न मंदिर न राजाओं व माताओं की महत्व की समाधियाँ। मोहनजोदड़ो से मिला नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है। इन सब के बावजूद यहाँ ऐसा अनुशासन क्षण जरूर था जो नगर योजना, वस्तुशिल्प, मुहरे, ठप्पों, पानी या साफ सफाई जैसे सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता रखे हुआ था। इस आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि यह सभ्यता समझ में अनुशासित सभ्यता थी, ना कि ताकत से। तो ये समझ में आ गया आपको भी, ठीक है, कि ये कौन सी सभ्यता अनुशासित सभ्यता थी, ना कि ताकत से, ओके। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ का देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको नहीं ले जा सकती, वे आकाश की तरफ दूसरी अधूरी रह जाती है, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है,
ये बताना है आपको। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं हम लोग। ओके, तो फोर्थ का आंसर है, लेखक कहता है कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का अवशेष बिखरे पड़े हैं, यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उसके पूर्व का एहसास कराती है। जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी, इतिहास बताता है कि यह यहाँ कभी पूरी आबादी रहती थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। यहाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि जिस समय दुनिया में ज्ञान रूपी सूर्योदय नहीं हुआ, उस समय हमारे पास एक संस्कृत व विकसित सभ्यता थी। इससे महानगर भी थे इसमें महानगर भी थे। इनको विकसित होने में काफ़ी समय लगा होगा। यह हमारे इतिहास को आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर देता है। उस समय का ज्ञान, उनके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। तत्कालीन नगर योजना को आज की नगरीय संस्कृति में प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृत के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समय को भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन पर भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर, फिफ्थ का आंसर है, यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृत के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगी के अनछुए समय में भी दस्तावेज होते हैं। मोहनजोदड़ो में प्राप्त खंडहर यह एहसास कराते हैं कि आज से 5,000 साल पहले कभी यहाँ बस्ती थी। ये खंडहर उस समय की संस्कृत का परिचय कराते हैं। लेखक कह रहा है कि इस आदमी शहर के अदीम शहर के किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, चाहे वह एक खंडहर ही क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं, रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। यह शहर की किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुंझुन सुन सकते हैं। इस तरह जीवन के प्रति सजग दृष्टि होने पर पुरातात्विक खंडहर भी जीवन की धड़कन सुना देते हैं। यह एक प्रकार के दस्तावेज होते हैं जो इतिहास के साथ साथ उसे अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देता है। सो ये हमारा फिफ्थ का आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, इस पार्ट में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोग ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको अपने नज़दीक से देखा होगा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। चलिए करते हैं। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन का ये आंसर है, इस साल की गर्मियों की छुट्टी में कक्षा के कुछ दोस्तों ने दिल्ली के लाल किले को देखने का कार्यक्रम बनाया। निर्धारित तिथि को हम 6 दोस्त वहां गए। लाल किले को देखने के बाद मन में कल्पना हिलोरे मारने लगी। इसे देखकर मुगल सत्ता के मजबूत आधार का पता चलता है। इतने विशाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जिस पर अत्यधिक धन खर्चा हुआ। यह निर्माण उस समय के शांत शासन व समृद्ध के युग का परिचय कराता है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया। किले के अंदर अनेक महल हैं। दीवाने आम से लेकर दीवाने खास तक को देखकर मुगल बादशाह के दरबार का दृश्य सामने आता है। यह किला मुगल प्रभुसत्ता का परिचय था। आज भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। यह मेरे जीवन के सुखद अनुभवों में से एक है। तो ये हमारा सिक्स क्वेश्चन था, उसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेवेंथ। सातवां क्वेश्चन है, नदी कुएं स्नानघर और बेजोर निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दे। मीन्स आप जो इसके सपोर्ट में बोल रहे हो लेखक के, कि उसके अपोजिट में बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो रीजन के साथ ये आंसर देना है आपको। ठीक है, तो रीजन मैं आपको दूंगी और आप अपने टीचर को देख के इसका आंसर लिख के मार्क्स पा लेना। ठीक है, चलो तो मैं सेवेंथ वाले का आंसर बता दूँ। ओके, तो सातवें का आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता में नदी कुएं स्नानघर बेजोर निकासी व्यवस्था के अनुसार लेखक इस जल संस्कृति की संज्ञा देता है। मैं लेखक की बात से पूर्ण सहमत हूँ, यानी कि मैं उसके पक्ष में हूँ, विपक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ। किसके? लेखक के पक्ष में बोल रही हूँ मैं। सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहने में समर्थन में निम्नलिखित कारण है। पहला, यह सभ्यता नदी के किनारे बसी है, मोहनजोदड़ो के निकट सिंधु नदी बहती है। दूसरा, यहाँ पीने के पानी के लिए लगभग 700 कुएं मिले हैं। ये कुएं पानी के बहुत सिद्ध करते हैं। ओके, तो यानी कि हम इसके जो पक्ष वाला जो था उसमें की, क्योंकि जल संस्कृति कह सकते हैं हम किसको, सिंधु सभ्यता को। तो मैंने भी उसके इसमें सपोर्ट में कहा
और ये रीजन दिया, ठीक है, ये तर्क दिया। तो आप सातवें का ये पूरा आंसर लिख लो, ठीक है। मैंने स्क्रीन थोड़ा गंदा कर दिया, बट मैं क्लीन कर दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है, आठवां। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई है। इस लेख में मोहनजोदारो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव भी पैदा होता है? इस संभावनाओं पर कक्षा में समूह में चर्चा करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक सेकेंड, पहले आठवें का आंसर देखने से पहले ये बता दूं मैं आप लोग को। देखो, हमने जो सातवां लिखा था ना, उसके अंदर तो हमने मैंने दो पॉइंट तक बताई थी, तीसरा पॉइंट रह गया था, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना, क्योंकि देखो स्लाइड रह गई थी, तो अभी जब मैंने चेक किया ना तो सातवें का रह गया था। तो पहले सातवें का लिख लो, फिर हम आठवें का आंसर देखेंगे। ओके, मेंस सातवें का जो मैंने आंसर बताया था, दो पॉइंट तक मैंने बताई थी, राइट, बैक करके देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, यानी कि इसके पांच पॉइंट थे, तो ये पांचों पॉइंट यहाँ तक एंड लिख लो। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो अब देखते हैं आठवें का आंसर। ये हमारा आठवें का आंसर है, सिंधु धारी सभ्यता के विषय में जानकारी उष्ण अंजनों व अन्य क्षेत्रों की खुदाई से मिले अवशेषों से मिलती है। यहाँ नगर योजना, मकान, खेती, कला, दूजा आदि के अवशेष मिले हैं। इनके आधार पर एक धारणा बनाई गई कि यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। अनुमान लगाए गए कि यहाँ की नगर योजना आज की शहरी योजना से अधिक विकसित थी। यहाँ पर मरुभूमि नहीं थी, कृषि उन्नत दशा में थी, पशुपालन व्यापार भी विकसित था। समाज के दो वर्ग, उच्च वर्ग व निम्न वर्ग को परिकल्पना की गई। वस्तु से ये सब अनुमान है, मोहनजोदारो के बारे में बनी अवधारणा के विषय में ये मेरा मत निम्नलिखित है। पहला, इस क्षेत्र में जो लिपि मिली वह चित्रलिपि है। चित्रलिपि का मतलब क्या होता है? चित्र के जरिए बताई गई जो लैंग्वेज होती है उसको चित्रलिपि बोलते हैं, ठीक है। हरने आज तक पढ़ा नहीं जा सकता, अतः यह लिपि अपने रहस्य छिपाए हुए हैं। मीन्स देखो, अगर आपको कोई समथिंग इस तरह कोई चित्र बना हुआ है, आप इसकी मीनिंग समझ सकते हो? नहीं, तो वही यहाँ पे आपको बोला है कि उसमें चित्र के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। सेकंड है कि लिपि पढ़े न जाने पर अवशेष ही इस सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताते हैं। इतनी पुरानी सभ्यता के तमाम चिन्ह सुरक्षित नहीं रह सकते। इस क्षेत्र की जलवायु व मजबूत निर्माण शैली के कारण काफ़ी अवशेष ठीक दशा में मिले हैं। उनके आधार पर ही कर्ण सभ्यता व संस्कृत को परिकल्पना की गई है। मीन्स देखो कि देखो अगर वहाँ का माहौल ठीक नहीं रहा, तो बाकी के जो जो भी साक्ष्य मिले, नहीं जो भी प्रूफ मिले, वो कैसे सही सलामत होते? लेकिन ऐसा हुआ कि जब सिंधु सभ्यता का जब ढूंढा गया, तो काफ़ी सारे ऐसे प्रूफ मिले जो एकदम सही सलामत थे, ठीक है। तो वही बोला गया यहाँ पे कि अवशेष दशा में मिले, उन्हीं के आधार पर कर्ण सभ्यता व संस्कृति की परिकल्पना की गई। ओके, ये हमारा लास्ट आंसर था आठवें का, क्योंकि यहाँ पे अभ्यास एंड हो जाता है। ओके, ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, यानी कि आपके जितने ही सारे चैप्टर तो बड़े ही हैं वैसे भी। तो अगर देखो, ये सारे जो अभ्यास के आठों क्वेश्चन के अलावा आपको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिसिंग के लिए, कि हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन चाहिए, मीन्स इस चैप्टर का पार्ट टू वीडियो अगर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बोलो कि हमें इस चैप्टर का पार्ट टू वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगी, ठीक है, आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लेना। बिकॉज आपका बोर्ड है तो आप रिस्क लेते नहीं हो, आई नो, ठीक है। अगर चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, और इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखे तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। ओके, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक हम्बल रिक्वेस्ट, शेयर ज़रूर करना वीडियो को। ओके, और जो मैंने स्क्रीन गंदा किया ना, उसके लिए सॉरी। चलिए, बाय एंड टेक केयर।